मैम आपका ऑर्डर। थैंक गॉड कोई तो आया, तुम चलो मेरे साथ। मैम पर मैम आप ऐसे अंदर मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आज ना हमारी एनिवर्सरी है और मेरे हस्बैंड ना 15-20 मिनट में आने ही वाले हैं। देखो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पर मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी है, बस वो करवा दो प्लीज। सॉरी मैम मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा अगर मैं तुम्हें इसके लिए 1000 अलग से पे करूँ? थोड़ा सा ही काम है प्लीज। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच, तुमने हेल्प कर दी। मेरे हस्बैंड के आने से पहले सब कुछ हो गया। कोई बात नहीं मैम, वैसे मेरा कोई ऑर्डर नहीं था तो इसलिए मैंने आपकी हेल्प करवा दी। अच्छा तुम यहीं पे रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ओके मैम। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। संजू क्या कर रहे हो तुम यहाँ? नहीं ये नहीं हो सकता, तुम शादीशुदा हो। सौरभ मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। क्या समझाओगे तुम मुझे? हाँ तुमने कहा था तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है इसलिए तुम मुझसे मिल नहीं सकते, और ये सब मुझे नहीं पता था वो एकदम से आ जाएगी, एनिवर्सरी थी इसलिए उसने आके सरप्राइज दे दिया। मुझे भी नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो संजू। अरे बेबी तुम आ गई, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तुम बताओगे या मैं बताऊं? रिया चलो ना हम अंदर चल के बात करते हैं। संजू अंदर क्यों, यहीं बताओ ना व्हाट्स हैपनिंग हियर। हाँ बताओ ना, नहीं बताया जा रहा है? कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मजाक है ना ये संजू, मजाक कर रही है ना ये? अंदर चलो ना, अंदर चल के बात करते हैं। कोई मजाक नहीं है, ये सच है। पिछले 6 महीने से ये बंदा मुझे डेट कर रहा है, यहाँ तक इसने मुझे ये भी नहीं बताया था कि शादीशुदा है। इसने हम दोनों को धोखा दिया है। हमारी थर्ड एनिवर्सरी थी आज, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? I'm pretty! रिया मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम 6 महीने से तुम हम दोनों को धोखा दे रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक कर दोगे सब कुछ। प्लीज रिया एक चांस हमारे बच्चे के लिए। घटिया धोखेबाज इंसान का परछावा भी मैं अपने बच्चे पे नहीं पड़ने दूंगी। गुड बाय। ये अच्छे एक्टर हो ना तुम? नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। बस करो, तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तुम्हारी शक्ल मैं अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहूंगी। प्लीज सौरा एक चांस दे दो मेरे को। मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो एक ही इंसान को अपनी जिंदगी के साथ खेलने का दोबारा मौका दूं।